सारी भी रेडी हो चुकी है, होने के साथ साथ गिर भी गई है। ये फ्रूट चाट है, ये फल है, और बस ध्यान से यार गिरना मत प्लीज। और ये खजूरे, ये दही, दही भले और ये शक्कर वगैरह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कज़न के लिए फ्राई कबाब, जो कि कहते हैं हैदराबाद के बहुत मशहूर हैं और हम बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ट्राई कर रही हूँ उस तरह बनाने की, बाकी देखते हैं कैसे बनते हैं, कुछ नहीं कह सकती अभी तो। सो फ्रेंड, मैंने प्याज ब्राउन करके अंदर टिक्कियाँ डाल दी और पानी डाल दिया और इसको पकने देते हैं, फिर इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये फ्राई कबाब बन चुके हैं। जो हैदराबाद से हैं वो तो पहचान जाएंगे कि कौन से कबाब हैं, और यहाँ पे लाहौर में मिलते नहीं, तो इसलिए आज मैंने स्पेशल गज़ल की तबीयत भी सही नहीं थी तो उसकी मनपसंद चीज़ बना कर दी है ताकि उसको ये पसंद है और रोटी का वो खाएगी मतलब आराम से। बस टेस्ट वगैरह सही हो, रोज़ा है तो पता नहीं मुझे कि नमक वगैरह ठीक है या नहीं, तो गज़ल वगैरह देख के ही खाएगी तो फिर पता चलेगा कि अच्छा टेस्ट बनेगा नहीं। मैं उसका रिव्यू भी लूँगी, तो अभी इसको थोड़ा घी निकलता है इसके ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको रख देते हैं साइड पर और उसके बाद अफ्तारी की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की तीसरी अफ्तारी। सो फ्रेंड्स, ऐलान हो गया, जल्दी से रोज़ा अफ्तार करते फिर बात करते हैं। लोगों को पता है कि मैंने आज बनाया था ये फ्राई कबाब हो रही है, सो अभी इसने ट्राई किया तो इसको अभी टेस्ट सही से आया नहीं तो दोबारा ट्राई करेगी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए इसकी शक्ल यार, कैसी हालत हो गई है इसकी। सब दुआ करो इसके लिए, इसका ये मनपसंद खाना है, मतलब उसका फेवरेट है, तो इसलिए मैंने इसको ये बना कर दिया है। बट पता नहीं कैसा बना, सही बना कि नहीं। साथ प्याज, बना तो अच्छा है पर मेरे मुंह का टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट आज खराब हुआ ना फीवर की वजह से। सो फ्रेंड्स, खाना खाते हैं आराम से फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली है और दुरूद पाक पढ़ रही हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, कहते मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी दुरूद पाक पढ़ लूँ। और आप सब दुआओं में याद रखना और ज़्यादा ज़्यादा प्यार दें इसी तरह। थैंक यू सो मच, लव यू आल फ्रेंड्स। आप सबका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें हम आपके लोगों के लिए, वे लोग बनाते रहेंगे। सो ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं हम। ना हो अफ्तारी में, लेकिन मेरे गोल गप्पे हैं आज अफ्तारी में, माशाल्लाह माय फेवरेट। तो हम अफ्तारी आज ये करेंगे, गोल गप्पे। बाकी चीज़ें आ रही हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, माशाल्लाह से सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये एतिका मेरे लिए बना के, ये मेरी फेवरेट, एंड ये एतिका की कचौड़ी, एंड ये मेरे गोलगप्पे। तो बाकी चीज़ें एतिका बना के आ रही है, समोसे, तो फिर खाते हैं हम। सो गाइस, हम इस चाट को भूल गए थे, ये अभी आई है, बाकी सब तो हमने खलास कर दिया माशाल्लाह से। यार अफ्तारी के बाद हालत ऐसी हो जाती है, ऐसी हालत हो जाती है, मत पूछो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं क्योंकि आज माशाल्लाह से 5 रमज़ान है, सैटरडे है, तो व्लॉग एडिट बस यही करने में यार टाइम नहीं मिल रहा एडिट करने का, इस वजह से लेट हो रहा है व्लॉग और समझ नहीं आ रही क्या क्या व्लॉग करें। सुबह उठते हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, देन फिर अफ्तारी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, अफ्तारी की तैयारियाँ शुरू होती हैं, अफ्तारी होती है, फिर उसके बाद सहरी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और माशाल्लाह ये बरकत भरा महीना, रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है। आप सब बताएं आप सबका ये महीना कैसा गुजर रहा है, माह रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और बताएं हम रमज़ान में कैसे कैसे अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकते हैं, सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। सो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू व्लॉग मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।